तो देखेंगे गाइस इन दोनों में से कौन जीतता है, क्या वो ज़ाइफोर्ड एक्सकैलिबर है जो जीतेगा या फिर चेन कर्बियस जीत जाएगा ज़ाइफोर्ड एक्सकैलिबर से। गाइस तो चेन कर्बियस जो है हमारा वो है डिफेंस टाइप बेब्लेड और ज़ाइफोर्ड एक्सकैलिबर है अटैक टाइप बेब्लेड। ये कॉम्बिनेशन आप इसका देख ही सकते हो। तो देखते हैं गाइस कौन जीता है, स्टेडियम हमारा यही रहेगा। तो देखते हैं बैटल को करते हैं शुरू। उससे पहले मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बैटल को किया जाए स्टार्ट गाइस। तो सबसे पहले हमने चेन कर्बियस को लॉन्च कर दिया है इन द बेस स्टेडियम। उसके बाद आता है ज़ाइफोर्ड एक्सकैलिबर। भाई ज़ाइफोर्ड एक्सकैलिबर हिटिंग टू हार्ड। हो ज़ाइफोर्ड एक्सकैलिबर को किक आउट कर दिया इस बार तो चेन कर्बियस ने गाइस। ओह माय गॉड, मुझे लगा नहीं था कभी भी चेन कर्बियस ने किक आउट कर दिया ज़ाइफोर्ड एक्सकैलिबर को। डैम इट, रियली रियली अमेजिंग एंड ब्रूटल बैटल। इस बार हम पहले भेजेंगे ज़ाइफोर्ड एक्सकैलिबर को इन द बेस स्टेडियम गाइस, उसके बाद हम चेन कर्बियस को भेजेंगे। ये आ गया चेन कर्बियस। क्या लगता है इस बार जीत पाएगा चेन कर्बियस या फिर इस बार भी हार जाएगा? नहीं, ज़ाइफोर्ड एक्सकैलिबर को उठा उठा के फेंक रहा चेन कर्बियस इस बार तो। ओके, आ चुका है बेस स्टेडियम में चेन कर्बियस गाइस इन द थर्ड राउंड। उसके बाद हम लॉन्च करेंगे ओ माय गॉड, जैसे ही मैंने लॉन्च किया चेन कर्बियस को जितनी दूर उठा के फेंका है ना ज़ाइफोर्ड ने, ओ माय गॉड, रियली भी मुझे कहना पड़ेगा बहुत ज्यादा अमेजिंग बेब्लेड है ये गाइस। थर्ड राउंड विक्ट्री तो सीधी सीधी फ्रंट टू फ्रंट जाती है ज़ाइफोर्ड एक्सकैलिबर को। उसके बाद फोर्थ राउंड को स्टार्ट करते हैं। वेल, ये वाले राउंड में देखते हैं कौन जीतता है ज़ाइफोर्ड एक्सकैलिबर इन द बेस स्टेडियम। फिर से दोनों ही बाहर, इस बार दोनों ही बाहर। रियली में सुपर डुपर अमेजिंग बैटल्स हो रही हैं गाइस। ज़ाइफोर्ड एक्सकैलिबर तो अब तो मान ही नहीं रहा ना, मतलब एक राउंड ड्रॉ भी करा दिया, चेन कर्बियस को बाहर भी किक आउट कर दिया। चेन कर्बियस को मैंने मिडल में छोड़ा है इस बार, जो कि डिफेंस टाइप बेब्लेड की स्पेशलिटी होती है, और ज़ाइफोर्ड एक्सकैलिबर तो भाई बाहर बाहर ही घूम रहा है। तो देखते हैं इस बार कौन जीतता है गाइस। ये होगा आई थिंक फिफ्थ राउंड है ये, एक राउंड ड्रॉ हुआ था, एक राउंड फिर से किक्ड आउट चेन कर्बियस। वन हिट KO, रियली अमेजिंग। अब दोनों बेज आ चुके हैं बराबरी पे, 2 points हैं ज़ाइफोर्ड के पास, 2 points हैं चेन के पास। बढ़ते हैं फाइनल राउंड में गाइस, देखते हैं कौन जीतता है। सबसे पहले चेन कर्बियस को स्टेडियम में भेजते हैं गाइस, बिकॉज ये डिफेंस टाइप बेब्लेड है। उसके बाद आता है ज़ाइफोर्ड। व्हाट अ हिट, कंटिन्यूस हिट्स बाय ज़ाइफोर्ड गाइस। ज़ाइफोर्ड ने किक आउट कर दिया है सीधा चेन कर्बियस को स्टेडियम के बाहर, विदाउट एनी डाउट। रियली रियली अमेजिंग बेब्लेड मैन। ओके, एक और राउंड कर लिया जाए, बट इस बार हम ज़ाइफोर्ड को पहले भेजेंगे, बिकॉज लास्ट टाइम हमने चेन को भेजा था। वेल, आ चुका है ज़ाइफोर्ड इन द बेस स्टेडियम। वेल, उसके बाद आता है चेन कर्बियस। चेन कर्बियस क्या हरा पाएगा ज़ाइफोर्ड को इस बार? लग तो रहा है किक आउट कर दिया है गाइस ज़ाइफोर्ड एक्सकैलिबर। रियली अमेजिंग बेब्लेड मैन, हारा नहीं, खुद नहीं हारा गाइस, चेन कर्बियस को जीते जीते किक आउट कर दिया इसने। ज़ाइफोर्ड एक्सकैलिबर बनता है इस मैच का विनर गाइस। अगर बाउंड्रीज होती तो शायद कुछ और भी हो सकता था, बट मैं ज़रूर कहना चाहूँगा गाइस, ज़ाइफोर्ड एक्सकैलिबर रियली अमेजिंग बेब्लेड है, बिकॉज एडवांटेज तो चेन कर्बियस के पास भी था ना, कि वो स्टेडियम के बीच में रह के मैच को निकाल सकता था, बट ज़ाइफोर्ड एक्सकैलिबर बहुत तगड़ी हिट्स की इसने। जैसे कि आप देख सकते हो इसकी ये जो क्या कहते हैं इसे, स्वॉर्ड से भी बाहर को आ गई थी, तो ये सिमेट्री में आ जाता है, और जब अटैक करता है ना फिर गाइज, फिर तो कोई बेब्लेड नहीं बच सकता। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को ख़त्म। आई होप आपको बैटल पसंद आई हो, अगर पसंद आई हो तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। फ्री स्टाइल ब्लेड ओवर एंड आउट।